हाय गाइस, मेरा नाम राहुल है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DSLR ऐप्स के बारे में जो कि आप एंड्रॉयड के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये DSLR के ऐप्स नहीं है, ये ऐप्स की मदद से आप DSLR में जो आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं वो आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो। हमारे जो मोबाइल के साथ जो स्टॉक कैमरा ऐप्स आती है उसके अंदर आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत सारे मैनुअल सेटिंग्स आपको नहीं देखने को मिलती है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 ऐप्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी DSLR वाले फीचर्स ला सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप DSLR वाले जो फीचर्स है वो आपने मोबाइल फ़ोन में चाहते हो। तो ये तीनों ही ऐप्स में बहुत सारे आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, एक्स्ट्रा आपको कंट्रोल देखने को मिलेगा जिनकी मदद से आप बहुत ही अच्छी तरीके से फोटोग्राफी कर सकते हो, वीडियोग्राफी कर सकते हो, वीडियो निकाल सकते हो। और जो भी ऐप्स में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उनमें एक्सटर्नल माइक का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलता है। अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियोज़ बना रहे हो तो ये एक्सटर्नल माइक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर आप कॉलर माइक पहनते हो जैसे कि मैंने अभी लगाया है, ऐसे आप यूट्यूब के लिए कोई वीडियोज़ बना रहे हो तो आपको इस टाइप के माइक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको एक्सटर्नल माइक के साथ वीडियोज़ निकालना है तो एक्सटर्नल माइक का जो सपोर्ट है वो होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो भी तीनों ऐप्स मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उन तीनों में ही आपको एक्सटर्नल माइक का सपोर्ट देखने को मिलता है और DSLR वाले फीचर्स भी आपको इन ऐप्स में देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट ऐप होने वाली है वो है ओपन कैमरा। ओपन कैमरा ये बहुत ही छोटी स्मॉल साइज़ की ऐप है पर बहुत ही अच्छे फीचर्स आपको इस ऐप में देखने को मिलते हैं। ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है तो ओपन सोर्स आपको ये ऐप देखने को मिलती है। तो इसमें आपको एड्स भी नहीं देखने को मिलेंगे जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसमें आपको HDR का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, वॉइस कमांड भी आपको इसमें देखने को मिलती है, पैनोरोमा आप इसमें निकाल सकते हो, तो बर्स्ट मोड भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल माइक का सपोर्ट भी आपको इस ऐप में देखने को मिलेगा, कलर इफेक्ट्स आप चेंज कर सकते हो डिफरेंट, आप ISO को भी आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हो, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। इसमें आपको फेस डिटेक्शन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑटो फोकस, फिक्स्ड फोकस, टाइमर, बहुत सारे आपको इसमें फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि एक मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। DSLR टाइप के फीचर्स आपको इस ऐप में देखने को मिलते हैं और इस ऐप की जो साइज़ है वो बहुत ही कम है। अगर आपने इस ऐप को ट्राई नहीं किया है तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सेकेंड ऐप के बारे में। तो सेकेंड ऐप का नाम है Hedgecam 2। Hedgecam 2 ये भी सिमिलर टाइप की ऐप है ओपन कैमरा की तरह। इसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, इसमें भी आपको एक्सटर्नल माइक का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको फोटोग्राफी करनी हो, वीडियोग्राफी करनी हो तो इसके लिए भी बहुत ही अच्छी ऐप है। फोकस मोड्स आप चेंज कर सकते हो, कलर इफेक्ट्स भी आप इसमें बहुत सारे यूज़ कर सकते हो, वाइट बैलेंस आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो, ISO एक्सपोजर को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इसमें आपको फेस डिटेक्शन भी मिलने वाला है, वॉइस कमांड जैसे कि ओपन ऐप में भी आपको ये देखने को मिलता है, HDR सपोर्ट भी आपको इस ऐप में देखने को मिलेगा। लगभग बहुत सारे फीचर्स आपको इस ऐप में देखने को मिलते हैं पर इस ऐप की एक खासियत है इसमें आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन आपको सिर्फ इसी ऐप में देखने को मिलता है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन चाहिए तो आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। मेरी तीसरी और लास्ट एप्लीकेशन होने वाली है उसका नाम है CameraMX और CameraMX भी बहुत ही अच्छी ऐप है। इस ऐप में आपको बहुत सारे जो फीचर्स आपको जो पहले दो ऐप्स में मिलते थे उतने फीचर्स इस ऐप में आपको नहीं देखने को मिलते पर ये ऐप बहुत ही स्टेबल ऐप है। तो इस ऐप के फीचर्स की बात करूं तो इस ऐप में भी आपको HDR सपोर्ट देखने को मिलता है, इसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसमें आप बहुत सारे डिफरेंट इफेक्ट्स डाल सकते हो, एक्सपोजर को भी कम ज्यादा आप इसमें कर सकते हो, आपको इसमें बर्स्ट मोड भी देखने को मिलेगा। तो इस ऐप में भी आपको एक्सटर्नल माइक का सपोर्ट देखने को मिलता है और इसमें भी आपको टाइमर और बहुत सारे डिफरेंट आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इस ऐप की एक खास बात है इसमें आपको टाइम लैप्स का भी ऑप्शन देखने को मिलता है और एक फीचर आपको इस ऐप में देखने को मिलता है वो है रियल टाइम कट। अगर आप सेल्फी कैमरे से कोई वीडियो शूट कर रहे हो या रियर कैमरे से भी कोई वीडियो शूट कर रहे हो तो आप इसे बीच में ही पॉज कर सकते हो और आपके रेडी होने के बाद आप उसे रिज्यूम कर सकते हो। तो अनवांटेड जो मेमोरी लॉस होता है उसे आप इस फीचर की मदद से अवॉइड कर सकते हो। ये पॉज वाला फीचर सिर्फ इसी ऐप में आपको देखने को मिलता है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप ऐसा फ़ोन यूज़ कर रहे हो जिसमें बहुत ही कम मेमोरी है तो ये पॉज वाला ऑप्शन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। अगर आपको ये पॉज वाला फीचर चाहिए और एक स्टेबल आपको कैमरा एप्लीकेशन चाहिए तो डेफिनेटली आप इस ऐप को भी यूज कर सकते हो। तो ये था मेरा वीडियो DSLR लाइक ऐप्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको इसी टाइप का कंटेंट देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।